हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवेलेबल गुरु जी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आज की ये एक स्पेशल क्लास है जिसमें मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि जो मैंने आपको आज 1 बजे क्लास प्रोवाइड कराई थी, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि आज शाम के जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग देखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, विंडोज में पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। और कल से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के पास सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो वो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि हम लोग जब बिगनर्स हैं ही, ठीक है ना, पूरा मैं आपको बिगनर्स लेवल से सिखा रहा हूं, तो मैं आपको इंस्टॉल करना भी बता देता हूं। और अगर कोई आप लोग को डाउट आता है, इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए, तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि काफी अभी जो पाइथन को डाउनलोड होने में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ स्टूडेंट्स को, तो आप लोग भी डाउनलोड करके देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग पाइथन को डाउनलोड करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने गूगल ब्राउजर की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा गूगल। ठीक है, जैसे आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो गूगल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो पाइथन की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप लोग सिर्फ वो डालिए, python.org। ठीक है, जैसे हम लोग python.org यहाँ पे टाइप करेंगे तो जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपके सामने आएगी, 1 मिनट, ओपन होगी वो आपके सामने। चाहो और अगर आप लोग ऐसे करना चाहो तो गूगल से कर लीजिए, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी डालेंगे ना पाइथन डाउनलोड या कुछ भी, तो इस तरह से भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे तरीके हैं डाउनलोड करने के, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे python.org। जैसे हम लोग python.org लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट शो होने लगेगी। तो इस तरह से आपके सामने सबसे पहले आएगी www.python.org। ठीक है, तो आप लोग इस पे क्लिक करेंगे जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे हमारा डाउनलोड होने लगा। 24 MB का ही सॉफ्टवेयर है मात्र, जो कि हमारा डाउनलोड भी हो गया। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो जस्ट आप जब इस पर डबल क्लिक करेंगे, मेरे सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है, जस्ट आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही ये आपसे इंस्टॉलेशन के लिए मांगेगा। और मेरे सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अगर मैं रन करूंगा तो इंस्टॉल है, तो आप लोग कर लेना, तो रन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अभी इंस्टॉल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें, जैसे कि यहाँ पर विंडोज के लिए है, मैक के लिए करना चाहें तो मैक के लिए भी आप लोग कर सकते हो। सोर्स कोड यहाँ, जैसे हम विंडोज को ओपन करते हैं, एक्चुअली क्या है, पाइथन के बहुत सारे वर्जन है। ओके, तो पाइथन के जितने वर्जन है आप लोग कोई भी वर्जन यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अगर आपका 32 बिट है तो आपको क्या करना है, और 64 बिट है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आपका 32 बिट है तो यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड विंडोज इंस्टॉलर 32 बिट, और अगर 64 बिट है तो 64 बिट आपको करना है। ठीक है, माई कंप्यूटर पर जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन से बिट का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब विंडोज 7 है। इसके अलावा आप वर्जन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन जो है वो हमारा वही था जो हमने अभी डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन रहता है वो सबसे पहले हमें ऊपर ही शो होगा। जैसे कि हम लोग जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके थे तो डाउनलोड पे क्लिक किया और यहाँ पे 3.11.2 हमारा लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे चल रहा है। जितने भी वर्जन से ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट वर्जन आ जाता है तो पुराना वर्जन हटा दिया जाता है। जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी वर्जन है कब कौन सा वर्जन आया है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे लेटेस्ट वर्जन क्या है हमारा, 3.11.2 जो सबसे ऊपर आ रहा है। इसके अलावा आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो क्या है, पाइथन ने सब कुछ दिया हुआ है, 3.11 CC को डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे देखिए वर्जन बदलने का मतलब ऐसा नहीं है कि सोचो कि वो पाइथन चलेगी नहीं। क्या होता है, न्यू फीचर्स ऐड होते जाएंगे तो वर्जन के हिसाब से अपना काम होता जाता है। जैसे कि पाइथन जब आई थी तब इतना वो नहीं था, जैसे जब स्टार्टिंग, अभी पाइथन की डिमांड काफी बढ़ गई है, 2017 से पाइथन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, वहीं तो पहले इतना। और अब देख रहे हैं हर मंथ क्या हो रहा है, वर्जन अपडेट हो रहा है। जैसे देखा जाए यहाँ पे 6 दिसंबर 2022 को फिर एक ही और यहाँ पे ये आया, फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे 3.10, फिर ऐसे दिसंबर में ये पूरा चलता रहा, फिर फरवरी में लेटेस्ट वर्जन आ गया। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिसको जो वर्जन डाउनलोड करना, वो अगर किसी के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो रही है, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर मान के चलिए किसी के सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मान के चलिए अभी जैसे हमने डाउनलोड किया सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप यहां से वर्जन चेंज करके डाउनलोड कीजिए। जैसे 3.11 ये वाला करके देखिए 3.10.9, और फिर भी काम नहीं करे तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फिर आपको कैसे सॉल्व करना उस प्रॉब्लम को, नहीं तो
क्या है क्या बोलते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे ही बताइए। हो सकता है किसी किसी के सिस्टम में सर्विस पैक 1 इंस्टॉल ना हो, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि इसको डाउनलोड करने में, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। इसलिए आप लोग एक काम जरूर करिए, आप लोग पहले इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद अगर समझ में नहीं आता है या कोई एरर आती है तो आप मुझे बताइएगा। जैसे ही पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद, जैसे कि मैं आपको एक फेस और बता देता हूँ, जब पाइथन इंस्टॉल होती है तो उसमें कुछ हमारी तरफ जब इंस्टॉल करने में क्या क्या वो हमसे पूछेगा तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये पाइथन का सेटअप है जो हमने डाउनलोड किया हुआ है, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं वो किस तरह से आएगा, इसे रन किया, ठीक है, रन करते टाइम में इस तरह से आएगा। जैसे मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए वो पूछ रहा है क्या मॉडिफाई करना है, रिपेयर करना है, इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो मेरे में इंस्टॉल है, नहीं तो उस तरह से आएगा कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, चलिए एक काम करते हैं मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है, आपके सामने मैं इसको इंस्टॉल करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि मैं आपको पूरा गाइडेंस दे सकूँ जिससे कि आप समझ जाए। ओके, तो मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में, अनइंस्टॉल हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके ओके, तो अब ये देखिए अनइंस्टॉल हो गया है, अब मैं आपको इंस्टॉल करना भी बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्टॉल करना है, सबसे पहले आपको सेटअप डाउनलोड कर लेना है जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करना बताया, उसके बाद अनइंस्टॉल कर दिया मैंने ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूं। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, जो सेटअप है हमारा इस पे मैंने किया क्लिक, क्लिक करते ही जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आपको डबल क्लिक करना है, फिर आपको रन पे क्लिक करना है। ओके, उस टाइम देखा था आपने, उस टाइम आ रहा था मॉडिफाई रिपेयर या अनइंस्टॉल, इस टाइम आप देख रहे हैं इस टाइम आ रहा है इंस्टॉल नाउ। तो यहाँ पर जब भी आप इंस्टॉल करें तो थोड़ा सा देख के करिएगा, यहाँ पर एड पाइथन पे जरूर क्लिक कर दिएगा, एड पाइथन 3.72 पाथ, ठीक है, क्योंकि अगर पाथ एड नहीं होता है तो प्रोग्राम रन नहीं होते, तो ये आप कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो कस्टमाइज इंस्टॉलेशन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी सारे टिक हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा सभी टिक हैं कि नहीं, अगर सभी टिक ना हो तो आपको सभी पे टिक करना है, ठीक है, यहां तक टिक करना है, फिर इसके बाद आप चाहें तो नेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल फॉर और यूजर कर सकते हैं, जैसे कि हर एक यूजर चला सके तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कहां पर हो रही, यहां पे हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर जब डबल क्लिक करेंगे और रन करेंगे, रन करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे बस एड पाइथन पे क्लिक करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इंस्टॉल आपकी पाइथन आपके सिस्टम में हो जाएगी, ठीक है, ये स्टेप रहता है। तो मैंने आपको बता दिया ताकि जो आपको समझ में भी आ सके, मेरे में पहले से थी तो पहले मैंने अनइंस्टॉल किया हुआ है, अनइंस्टॉल करने के बाद मैंने आपको बताया किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं रहता, मैटर ऑफ 1 मिनट है ना, बस ये इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल होते ही आपके सामने मैसेज आएगा। चेक कैसे करना है इंस्टॉल हो जाने के बाद वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कल से हमारी कंप्लीट कोडिंग स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो अब क्लास मिस मत करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं सभी क्लासेस आपको ओ लेवल की हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। M1R5 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, M3 पाइथन क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए तो पाइथन की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। ओके, और वैसे भी 2 दिन के अंदर प्रैक्टिकल खत्म होने वाले हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स भी क्या है कंटिन्यू देख सकते हैं, और अभी ज्यादा कुछ मैंने इसीलिए स्टार्ट नहीं किया था, अभी हमारा पूरा बेसिक लेवल का चल रहा था, इसलिए जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, अभी 2 ही क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है वो आप देख लीजिए, बाकी आप कंटिन्यू जो रहेगा एक तरह से हमारा क्या है कोडिंग कल से स्टार्ट होने वाली है, और मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा प्रोग्राम को रन करने के, क्योंकि पाइथन को चलाने में अभी तक आप लोग को एक जो लोग आती है वो एक ही तरीका जानते होंगे F5 करके प्रोग्राम रन करने का। मैं क्योंकि यहाँ पर जो पाइथन पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी किसी भी लेवल, चाहे वो 9th 10th 11th 12th से लेके BCA BTech MTech सभी लेवल का पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सभी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपका देखिए सेटअप यहाँ पे सब क्या लगा, सेटअप बहुत सक्सेसफुल, स्पेशल थैंक्स फॉर द मार्क होमवर्क विदाउट हुज इयर्स ऑफ द फ्रीली शेयर, ठीक है, ये सब दे रहे हैं, इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे क्लोज करेंगे सर्च पे आके आप पाइथन लिखेंगे तो यहाँ पे आइडियली आपकी ओपन होके आ जाएगी, इस आइडियली का ओपन होना ही एक प्रूव है कि हाँ हमारा पाइथन सही तरह से इंस्टॉल हो गया, ठीक है, नहीं तो क्या है पाइथन आइडियली ओपन नहीं होगी। अब इसका जो साइज वगैरह आ रहा है काफी छोटा आ रहा है, तो आप लोग क्या करें, जैसे यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ कुछ भी तो बहुत छोटा आ रहा है, तो आप लोग एक काम करिए, ऑप्शन में आइए, कॉन्फिगर आइडियल पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइज वाला ऑप्शन आ रहा है, आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, 40 मैक्सिमम है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, बोल्ड कर दीजिए या अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा आपको दिखने लगेगा, ठीक है। इसके बाद कैंसिल कर दीजिए तो पाइथन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सा है। अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करना है, मैंने कहा पाइथन इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पर लिखा पाइथन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है, ये
इस तरह से अगर हमें छोटा मोटा कुछ लिखना है तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो पाइथन इंस्टॉल सक्सेस मैंने यहाँ पे लिख दिया, या सक्सेसफुली पूरा लिख दिया सक्सेसफुली। अब क्या करेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे, एंटर करने में पाइथन इंस्टॉल सक्सेसफुली, ठीक है, तो ये आपके सामने प्रिंट हो जाएगा और ये आपका प्रूफ है कि हाँ आपका जो पाइथन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो था ताकि आप लोग इंस्टॉल करना सिखा दूं मैं। और अब इंस्टॉल हमारा पाइथन हो चुका है, तो मतलब पाइथन इंस्टॉल होने का मतलब क्या है, अब प्रोग्रामिंग हमारी शुरू होने वाली है, ओके। तो अगर किसी के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए तो पहले ये वर्जन इंस्टॉल करके देखिएगा, फिर भी नहीं कर पाओ तो मुझे मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी वीडियो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि हो सकता है किसी के में प्रॉब्लम आ सकती है सेटअप फेल्ड होने की, मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि सेटअप फेल्ड होने की, किसी में वर्जन सपोर्ट नहीं होने की। तो जो भी प्रॉब्लम है पहले आप ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करने के बाद फिर मुझे बताइए, मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरेंस के साथ एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो लेट ना करते हो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।